हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट 11 मास्टर। तो अभी हम बात करने वाले हैं पौंडीचेरी T20 में होने वाले आज के दूसरे मुकाबले की। पैंथर 11 शार्क्स 11 एक दूसरे के खिलाफ आपको भिड़ते हुए दिखेंगे। और पिछले साल अगर आप देखो तो दोनों टीम्स का रन जो रहा था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहा था। दोनों टीम्स ने बहुत ही ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करा था। और अगर मैं बात करूँ कि भैया पैंथर्स 11 कौन से पायदान पर थे, पैंथर्स 11 की अगर आप बात करो तो भैया चौथे पायदान पर थी ये टीम। और उसके बाद अगर हम शार्क्स 11 की बात करें तो टॉप पर थे, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही थी। इन्होंने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करा था, बैक टू बैक आपको परफॉर्म कर कर देकर गए थे। अभी यहाँ पर हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आपको टेलीग्राम पर जुड़ना है। दूसरा मैच है टूर्नामेंट का, खेला जाएगा पैंथर 11 शार्क्स 11 के बीच में क्रिकेट एसोसिएशन पौंडीचेरी CHM ग्राउंड में। आपको पौंडीचेरी में मैच लाइव देखने को मिलेगा, 1:30 बजे आप इस मैच को लाइव देख सकते हो। फैन कोर्ट पर आप इस मैच को लाइव देख सकते हो। उसके बाद अगर आप देखो सेकेंड एडिशन है ये पौंडीचेरी T20 का। पिछले साल आपको खेलते हुए दिखी थी पौंडीचेरी की मतलब यही टीम्स, प्लस साथ में पिछले बार इनके पास कोई स्पॉन्सर ही नहीं था। इस बार भैया बायजूस सबको स्पॉन्सर कर रहा है, मैं यही देख रहा था। पहला वाला जो झारखंड T20 भी चल रहा था उसे भी बायजूस ही स्पॉन्सर कर रहा था और इसे भी बायजूस ही स्पॉन्सर कर रहा है। तो मतलब बायजूस क्रिकेट को भी स्पॉन्सर बहुत ज़्यादा कर रहा है अगर आप देखा जाए तो। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पिछले साल जो हुआ था कुछ मुकाबले रद्द कर दिए गए थे, कोविड की वजह से भी रद्द हुए थे और बारिश की वजह से भी रद्द हुए थे, तो पूरे के पूरे कंप्लीट नहीं हुए थे, पहली बात तो ये। दूसरी बात की अगर हम बात करें कि यहाँ पर पिछले साल जैसे मैंने आपको बताया भैया शार्क और पैंथर का पिछले साल का रन बहुत ज़्यादा बढ़िया रहा था। चार मुकाबले पैंथर की टीम जीत कर आई थी। और अगर आप शार्क की बात करो तो इनने भी चार मुकाबले जीते थे, एक एक मुकाबला दोनों की दोनों टीम्स एक दूसरे के खिलाफ हारी थी। मतलब एक मुकाबला एक टीम जीती, एक मुकाबला एक टीम हारी थी। पिच रिकॉर्ड की अगर आप बात करो, प्रीवियस मैच जो इस पिच के ऊपर खेला गया भाई 175 रन बना दिए टाइगर 11 ने। तो देखकर चलना, बैट्समैन फेवरेबल पिच, जैसे मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया था कि भैया पिच हार्ड होने वाली है क्योंकि बैक टू बैक मुकाबले होने वाले हैं इस पिच के ऊपर। तो इस वजह से ना स्टार्टिंग के मुकाबलों में आपको पिछना बैट्समैन फेवरेबल ज़्यादा देखने को मिलेगी। बॉलर्स ने भी बढ़िया परफॉर्म करा क्योंकि 7 विकेट पहले मुकाबले में चटकाई हैं बॉलर्स ने, तो वो आपको देखकर चलना है। पैंथर 11 की अगर हम बात करें, डी रोहित आपके पास है, उसके बाद आमिर जसीन आपके पास है, उसके बाद जॉर्ज सैमुअल, फिर उसके बाद अरविंद राजा आपके पास है, प्रियम आपके पास है, शिवम, फिर उसके बाद सिद्धार्थ गुरविंदर सिंह, गणेश राज आपके पास है, जे मणिकटन आपके पास है, अबिन मैथ्यू और यहाँ पर भारत भूषण आपके पास है। अब अगर आप अमित जिसन की बात करोगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर, 7 मुकाबलों में टॉप रन स्कोरर्स रहा था, 229 रन जिसने करे हैं पिछले साल और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। अब अगर आप देखो कि भैया कौन कौन से प्लेयर्स मतलब कौन से नंबर पर रहा था ये मोस्ट रन के हिसाब से पिछले साल, तो अगर मैं उसकी बात करूँ तो भैया सबसे पहले नंबर पर रहा था, सबसे बढ़िया एवरेज इस प्लेयर की, सबसे ज़्यादा रन जिसने बनाए हैं। उसके बाद जयप्रकाश की अगर आप बात करो तो यहाँ पर 4 मुकाबलों में 32 रन इसने करे हैं, 21 हाईएस्ट स्कोर स्ट्राइक रेट अगर आप देखो 126, छक्के 2 चौके 2 ओवर 4 विकेट 2। रोहित की अगर आप बात करो 7 मैच में 225 रन, सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर, हाईएस्ट स्कोर अगर आप देखो तो यहाँ पर 68, एवरेज 45 का, स्ट्राइक रेट 120, 50 2 ओवर करें, छक्के 10 चौके 23 ओवर 7 विकेट 1। तरुण जे की अगर आप बात करो, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर, 6 मैचेस में रन अगर आप देखो 64, हाईएस्ट स्कोर 21, ओवर 5 करवाए और विकेट 3। उसके बाद सिदक सिंह, 7 मैचेस में रन अगर आप देखोगे तो भैया यहाँ पर 11 इसने रन्स कर रखे हैं, पर ओवर अगर आप देखो ना 23 ओवर में 9 विकेट चटकाई। और सिदक सिंह जो है ना यहाँ पर भैया 5वें पायदान पर था, 4 विकेट और एक बार, मोस्ट विकेट टेकर पिछले साल जो रहे थे उसमें 4थे पायदान पर था। जॉर्ज सैमुअल की अगर आप बात करो, 7 मैचेस में 30 रन, हाईएस्ट स्कोर 24। उसके बाद भरत भूषण शर्मा, 2 मैच में अगर आप देखो रन 8, ओवर 7 और विकेट 3। उसके बाद संतोष कुमार नन आपके पास है, 5 मैच में रन 2, ओवर 4.5 और विकेट 2। उसके बाद प्रियम आशीष आपके पास है, 6 मैचेस में 142 रन, इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़िया रही क्योंकि 8th नंबर पर था मोस्ट रन स्कोरर में पिछले साल, 142, हाईएस्ट स्कोर 109, एवरेज अगर आप देखो 47, स्ट्राइक रेट 136, 100 एक बार करा है, छक्के 7 चौके 11। उसके बाद शिवम शर्मा आपके पास है, 7 मैचेस में 72 रन, हाईएस्ट स्कोर 27 का, एवरेज 36, स्ट्राइक रेट अगर आप देखो 101, छक्के 2
चौके 8 ओवर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 5.4 और विकेट 3। उसके बाद अभिन मैथ्यू आपके पास है। अभिन मैथ्यू की परफॉर्मेंस ना बहुत तगड़ी रही है बॉलिंग में, टॉप विकेट टेकर रहा पिछले साल 7 मैचेस में। रन ओवर अगर आप देखो 17.5, सबसे कम ओवर मतलब बहुत कम ओवर में भैया इसने 10 विकेट चटकाई हैं, 10 विकेट चटकाई, 4 विकेट हॉल एक बार। अरविंद राज 7 मैचेस में इसने भी 10 विकेट चटकाई हैं, दूसरे पायदान पर था मोस्ट विकेट टेकर में, 3 विकेट हॉल एक बार। विघ्नेश 5 मैचेस में रन 25, हाईएस्ट स्कोर 15, एवरेज 8 ओवर 19, विकेट 9 और अगर आप देखो 3 विकेट हॉल एक बार। विघ्नेश तीसरे नंबर पर था। फिर उसके बाद आई नाहा, 4 मैचेस में 57 रन, हाईएस्ट स्कोर इसका 57 था, एक ही मुकाबले में 57 रन करके गया था। उसके अलावा ये आता ऊपर था बट परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा बढ़िया कर नहीं पाता था। साक्ष 11 की अगर हम बात करें, निपुण गायकवाड़ आपके पास है, उसके बाद पलन समी आपके पास है, मोहित मिथान आपके पास है, लोकेश आपके पास है, उसके बाद प्रेमराज आपके पास है, जी शिव मुर्गन आपके पास है, एम अक्षय जैन, उसके बाद रघु शर्मा, अभीश टीए आपके पास है और यहाँ पर थिवर्ग आपके पास है। जेरी शे की अगर हम बात करें, राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलर, 3 मैचेस में रन 9 ओवर 4 विकेट 3, सवारी एस 3 मैचेस में रन 11, हाईएस्ट स्कोर 10, एवरेज अगर आप देखो 11, चौका 1, छक्का 1, ओवर 2.5 और विकेट 1। उसके बाद विजीत ए 58 मैचेस, इसमें लिस्ट ए के भी हैं, T20 ODI सारे के सारे मैचेस में मिक्स हैं। 58 मैचेस में 5,570 रन, हाईएस्ट स्कोर 54, ओवर 125, विकेट अगर आप देखो तो 64, 3 विकेट हॉल एक बार। उसके बाद मोहित मथन आपके पास है, 6 मैचेस में रन 47, हाईएस्ट स्कोर अगर आप देखो 28, एवरेज अगर आप देखो 15, स्ट्राइक रेट यहाँ पर 130 का है, चौके 3, छक्के 3। उसके बाद शिव मुर्गन लेफ्ट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर, 3 मैचेस में 96 रन, हाईएस्ट स्कोर 74, ओवर 1 विकेट 0। उसके बाद यहाँ पर थिगर्ग आपके पास है, 2 मैचेस में रन 30, हाईएस्ट स्कोर 20, स्ट्राइक रेट अगर आप देखो 128, छक्के 3 जड़े हैं। प्रेमराज आपके पास है, 2 मैचेस में रन 99, हाईएस्ट स्कोर 55, स्ट्राइक रेट अगर आप देखो 141, 50 जो कर रखा है वो एक बार छक्के जड़े हैं वो 5, चौके जड़े हैं वो 7। उसके बाद यहाँ पर अभीश 12 ओवर्स में इसने 3 विकेट चटकाई, अक्षय जैन ने 3 मैचेस में 1 रन कराया, रघु शर्मा 7 मैचेस में 3 रन, ओवर 21, विकेट 9। बढ़िया परफॉर्मेंस रही है यहाँ पर रघु शर्मा की, क्योंकि ये भी टॉप विकेट टेकर्स में था पिछले साल, और अगर मैं आपको नंबर बताऊं तो 6ठे नंबर पर है भैया ये टॉप विकेट टेकर पिछले साल के हिसाब से। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो चिरंजीवी आपके पास है, 6 मैचेस में 48 रन। उसके बाद अगर आप देखो हाईएस्ट स्कोर 15 का है, छक्के चौके 1 और 6, उसके बाद ओवर 12 और विकेट 5। उसके बाद आनंद सुब्रमण्यम 5 मैचेस में 108 रन, इसकी परफॉर्मेंस भी बढ़िया रही है क्योंकि ये भी ना टॉप 10 में नहीं तो टॉप 20 में तो था ही था, हाँ ये 16वें नंबर पर था। और इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो आपको देखकर मज़ा आ जाएगा, इसकी परफॉर्मेंस इतनी तगड़ी इसकी परफॉर्मेंस रही थी। उसके बाद अगर आप देखो 5 मैचेस में 108 रन, हाईएस्ट स्कोर 31 का, एवरेज 36 की है, चौके 4, छक्के 7। उसके बाद निपुण गायकवाड़ 5 मैचेस में 97 रन, ये भी 19वें नंबर पर था पिछले साल, जो हाईएस्ट विकेट टेकर की मैं बात कर रहा हूँ। हाईएस्ट स्कोर अगर आप देखो 48, एवरेज 24, स्ट्राइक रेट 100 और चौके जड़े हैं वो 10। ये पूरे के पूरे हम स्टैट्स डिस्कस कर चुके हैं, अभी यहाँ पर हम टीम डिस्कस कर लेंगे। अपडेट आपको पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आपको टेलीग्राम पर जुड़ना है। यहाँ पर एन गायकवाड़ क्योंकि इसी के स्टेट सबसे ज़्यादा बढ़िया, सुब्रमण्यम और जी सैमुअल ऐसे प्लेयर हैं जो आपको ना सरप्राइज़ कर सकते हैं, तो अगर आप ऐसे सरप्राइज़ के लिए तैयार हो तो फिर भैया ये दोनों के दोनों प्लेयर्स आप ट्राई कर सकते हो अपनी ग्रैंड लीग में। बैटिंग सेक्शन की अगर हम बात करें, एजसीन, एम मिठान, पीपी आपके पास है। मेन बात क्या है कि भैया इन्होंने ना बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म्स ट्राई कर रखी हैं इस बार ड्रीम इलेवन पे, पीपी, सीजी, एलपी, टीजेजे, तो ये देखकर चलना कौन कौन से प्लेयर का क्या क्या नाम है, उस हिसाब से आपको स्टैट्स देखने हैं। उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पर पी आशीष इज़ अ गुड पिक, प्रेमराज इज़ अ गुड पिक, प्रेमराज ने भी ठीक ठाक आपको परफॉर्म कर दिया है और आपको सरप्राइज़ फैक्टर रहने वाला है प्रेमराज, क्योंकि आप अपनी ग्रैंड लीग में प्रेमराज को आराम से ट्राई कर सकते हो। ऑलराउंडिंग सेक्शन में डी रोहित ड्रॉप नहीं कर सकते, एस गुरजीत गुरिंदर आप ड्रॉप नहीं कर सकते हो, आई नाहा को ड्रॉप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उसकी सिलेक्शन भी कम है, सीजी इज़ अ गुड पिक। उसके बाद अगर आप देखो तो मणिकर्णन की सिलेक्शन कम है बट मणिकर्णन को भी आप ट्राई कर सकते हो, इज़ अ गुड पिक। बॉलिंग सेक्शन की अगर आप बात करो, आर शर्मा, ए मैथ्यू, उसके बाद बी भूषण आपके पास है, तीनों प्लेयर्स बढ़िया हैं, यहाँ पर ए जैन के साथ जा सकते हो या तो ATA के साथ जा सकते हो, ATA ने भी बढ़िया परफॉर्म करा है पिछले कुछ मुकाबलों में। अभी अगर आप सबसे पहली टीम की बात करोगे, कैप्टेंसी यहाँ पर ए जसीन एज अ कैप्टन, वाइस कैप्टेंसी यहाँ पर पीपी को दे रखी है मैंने। उसके बाद अगर आप देखो एम मिथान, पी आशीष, एन गायकवाड़,
एस गुरविंदर, उसके बाद अगर आप देखो डी रोहित, सी जी, उसके बाद यहाँ पर ए जैन, ए मैथ्यू और ए पूरी की पूरी टीम आपके लिए ग्रैंड लीग फेवरेबल, स्मॉल लीग स्मॉल ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी टीम की अगर मैं बात करूँ, डी रोहित और सी जे एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन, एस सिंह, एज असीन, एल पी पी पी, उसके बाद अगर आप देखो यहाँ पर जी सैमुअल आपके पास है, एस एम आपके पास है, ए ए, फिर उसके बाद अगर आप देखो ए जैन और आर शर्मा, पूरी की पूरी टीम आपके लिए ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।